तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी काम को बड़े मन से करते हैं और 100% फुल एफर्ट मार के उस चीज़ में जितना निखार हो सकता था उतनी निखार ला के प्रेजेंट करने की कोशिश करते, मतलब अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ते, जितना हो सकता है उतनी अच्छी तरीके उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हो, उसको मन लगा के करते हो और एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ निकालने की कोशिश करते हो। लेकिन कई बार जल्दबाजी हो जाती है उस चीज़ को डिलीवर करने के लिए, या फिर टाइमिंग ही गलत हो जाती है। भाई यही चीज़ सालार के साथ होते नज़र आ रही है। इन्होंने जो डंकी के साथ क्लैश करने का जो निर्णय लिया था, कहीं ना कहीं भाई साहब सालार को बहुत घाटा होते नज़र आ रहा है। क्योंकि चलो ठीक है, डंकी उतनी कमाई नहीं भी करेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, इसने एवरेजली जो भी सुपर डुपर हिट वाली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करी है भाई, इसके लिए इनफ है। क्योंकि शाहरुख खान दो मूवी के साथ पहले ही कमबैक कर चुके हैं और डंकी के साथ वो वाली हाइप मैच नहीं भी कर पाए तो उन्हें कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। राजकुमार हिरानी का जो नाम है वो नाम सदा चलते रहेगा। वैसी मूवी ये पहले भी देके आ चुके हैं, अगर ये मूवी उस हाइप को मैच नहीं करती है, 70% या 80% ही उस हाइप को टच कर जाती है, तब भी उनके लिए इनफ है ये चीज़। लेकिन भाई साहब प्रभास के पास ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि आफ्टर बाहुबली 2 कोई भी ऐसी मूवी या फिर कॉन्टेंट नहीं था जिनका जनता के दिल से निकल रहा था कि भाई साहब अब मजा आएगा, अब बाहुबली 2 का रिकॉर्ड टूटेगा। क्योंकि ऐसी बहुत सी मूवी देख के आ चुके हैं भाई साहब, सरार के साथ भी यही होते नज़र आ रहा है दिन पे दिन। भाई मैं कह रहा हूँ, फ्राइडे कल था जबकि कल को हाइप बढ़नी थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में उछाल आना था, लेकिन परसों के मुकाबले 1 करोड़ और कल को कलेक्शन कम आते नज़र आया है। और आज सैटरडे है भाई, सैटरडे में भी उतना अच्छा रुझान रेस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है। सभी चीज़ों पर एक एक करके नज़र मारेंगे। क्या करना है, वीडियो को एक लाइक नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। भाई साहब काम पसंद आता है तो शेयर भी करिए यार, क्योंकि अभी सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है आप लोगों के। शुरुआत करते हैं कल डे 15 से, यानी सेकंड फ्राइडे था कल सालार मूवी का। बहुत बुरे हाल चल रहे हैं भाई साहब, ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 15% की आती नज़र आई है फुल डे, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग एंड नाइट को मिलाकर। नेट इंडिया से कल 3.5 करोड़ आती नज़र आया है, जबकि परसों बृहस्पतिवार को फुल वर्किंग डे था, जबकि कल फ्राइडे के दिन होता ये है कि भाई साहब आज सैटरडे को कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल हॉलीडे होता है, तो दैट्स वाई कि शाम को इवनिंग और नाइट में ऑक्यूपेंसी बढ़ जाती है। लेकिन कल ऐसा नहीं देखने को मिला। कल नेट इंडिया से 3.5 करोड़ एंड ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 4.5 करोड़, ओवरसीज से 2.5 करोड़ के आसपास आते नजर आ रहा है, और पूरी दुनिया से 7 करोड़ के आसपास ये मूवी कल एंड ऑफ द डे तक कवर करते नजर आ रही है। जबकि भाई साहब डबल डिजिट में आनी चाहिए, कोई इतनी पुरानी मूवी नहीं है, प्रभास जैसा नाम जुड़ा है, प्रशांत नील जैसा नाम जुड़ा है इस मूवी के नाम पर, तो उसके बाद भी सिंगल डिजिट में ये लोग आ चुके हैं, तो आप समझ ही सकते हो कि भाई साहब क्लैश का कितना बुरा नतीजा इनको झेलना पड़ रहा है। तो पहले 15 दिन में कल एंड ऑफ द डे तक 381.70 करोड़ हो चुका है, ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 451 करोड़, पूरी दुनिया से 681 करोड़ का मार्वलस आंकड़ा ये अपने खाते में रखते नजर आ रही हैं। देखा जाए तो भाई साहब जिस हिसाब का इसका बजट था, अराउंड 350 से 400 करोड़ के आसपास, जो शुरू में 400 करोड़ दिखा रहे थे, लेकिन अब मूवी की ग्रोथ या मूवी की जो कलेक्शन है वो उस हाइप को मैच नहीं कर पाया, दैट्स वाई कि मेकर्स ने अब जो बजट है उसे भी डाउन कर दिया है। तो 681 करोड़ फिर भी ठीक है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन भाई साहब मूवी से एक्सपेक्टेशन थी कि 1000 करोड़ तो ठोक के ही जाएगी मिनिमम, और मैक्सिमम तो भाई साहब 2000 करोड़ के आसपास इससे उम्मीद लगाई जा रही थी। बात करते हैं आज डे 16 की, आज सैटरडे है भाई साहब, सैटरडे में क्या हाल चाल चल रहे हैं, तो आज है ऑक्यूपेंसी थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है, 18% के आसपास है, और नेट इंडिया से आज एंड ऑफ द डे तक 5 करोड़ का कलेक्शन आते नज़र आ रहा है, ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 6.5 करोड़ के आसपास, और पूरी दुनिया से 9 करोड़ के आसपास मूवी अपने खाते में लेते नज़र आ रही है। जिसमें से एडवांस बुकिंग की बताऊँ तो भाई साहब 1.5 करोड़ के आसपास एडवांस बुकिंग आज के दिन आती नज़र आ रही है, जो बिल्कुल भी अच्छा रेस्पॉन्स नहीं है। क्योंकि सालार मैं मानता हूँ एक्शन मास एंड वॉयलेंस के मामले में A1 है, विदाउट लॉजिक, अगर आपने लॉजिक लगा लिया तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। लेकिन भाई साहब एक्शन मास मसाला में लॉजिक की ज़रूरत नहीं होती है, बस आँखों से देखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ जाके हमें सिर्फ मज़ा लेना है, एंटरटेनमेंट लेना है, दैट्स वाई कि वहाँ लॉजिक नहीं चाहिए। तो उस हिसाब से बेस्ट ऑफ द बेस्ट मूवी है भाई साहब, बावजूद इसके उतनी ज़्यादा सर्वाइव कर रही है ये मूवी, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तो आज सैटरडे है भाई, 9 करोड़ के आसपास पूरी दुनिया से कमाई करते नजर आ रही है एंड ऑफ द डे तक, तो पहले 16 दिन में ये मूवी आज एंड ऑफ द डे तक 690 करोड़ के आसपास अपने खाते में लेते नजर आ रही है। तो भाई क्या ये मूवी अब 800 करोड़ भी टच कर पाएगी, नहीं कर पाएगी भाई, बहुत बुरे हाल चल रहे हैं, मुश्किल ही लग रहा है कि ये कवर कर पाएगी।
बाकी 1000 करोड़ अभी भी किस किस का मानना है कि ये मूवी कवर कर जाएगी। और सालार वर्सेस डंकी में क्या सालार के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टेप था ये कि डंकी के सामने इन्होंने रिलीज करा है, ये आप लोग बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स पर। अगर ये सिंगल रिलीज होती तो कितना फिर कलेक्शन कर सकती थी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।